तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की जो हेल्थ ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के बाद वहां पर कुछ नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग हेल्थ ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में मेन्यू में एंड देन अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। वहां जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे आपको सैमसंग हेल्थ ऐप में एक नया अपडेट यहां पर आपको अवेलेबल मिल रहा होगा। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे नए अपडेट्स यहां पर आपको अवेलेबल है, और इस अपडेट्स का जो साइज है वो है 122 MB का, जिसको रोल आउट किया गया है 4 सितंबर 2023 को। इसका वर्जन नंबर है 6.24.3.007। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या नया चेंजेस किया गया है। पहले तो कर लेते हैं अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या नया चेंजेस किए थे कि द स्लीप कोचिंग स्क्रीन हैज़ बिन इम्प्रूव्ड। जो स्लीप ट्रैकर है ना, उसकी जो स्क्रीन है उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। यू कैन आल्सो सेट रूट टारगेट फॉर वॉकिंग एंड रनिंग एक्सरसाइज। अब क्या, अगर आप जब रनिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग के लिए अगर आप डालते हैं तो वहाँ पर अपना रूट भी वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और वी ऑफर न्यू एक्सपीरियंस फॉर अचीविंग बेस्ट रिकॉर्ड। और वहाँ पर अगर आप अचीव करते हैं अपना टारगेट तो जो उसका बैज है और जो रिकॉर्ड है वो आपको अच्छे से वहाँ पर मिलेगा। और वाइल रनिंग द मैक्स हर्ट रेट एंड द हर्ट रेट जोन आर ट्रेल ऑन इंडिविजुअल यूज़र। जब आप दौड़ते हैं तो आपको जो हार्ट रेट है उसका जो जोन है वो आपको वहाँ पर इंडिविजुअल यूज़र के हिसाब से दिखाएगा। और वेरियस बग्स फिक्सेस यहाँ पर किए गए। तो अब ये डाउनलोड अपडेट हो चुका है, कर लेते हैं इसको ओपन। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्राइवेसी हेल्थ डाटा आपको बता रहा है कि अपडेट टू प्रोसेसिंग हेल्थ डाटा। तो आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर लेना है, टिक करके नेक्स्ट करेंगे ये ओपन हो गया है। फिर आपसे एग्री मांग रहा है, फिर आप एग्री कर दीजिए। यहाँ पर आपको देखेंगे सबसे पहले जो फीचर दिया गया था लाइक द स्लीप कोचिंग हैज़ बिन इम्प्रूव। तो जो स्लीप कोचिंग है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर स्लीप कोचिंग में, तो इसको जो यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है ताकि आप अच्छे से ट्रैक कर सकें अपने स्लीप डेटा को कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, कैसे क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें जो सेकंड फीचर दिया गया, यू कैन आल्सो सेट द रूट टारगेट फ्रॉम वॉकिंग एंड रनिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको रनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर अपना रूट टारगेट आप डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक्सरसाइज में नया बता भी रहा है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वो आपको बता भी देगा। यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर ऐसा सब चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। रूट डालना है आप यहाँ पर अपना रूट को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना रूट डाल सकते हैं वॉकिंग और रनिंग में। आप वॉकिंग में जाएंगे, वॉकिंग में क्लिक करने के बाद आपको टारगेट यहाँ पर सेट करना है। तो जो भी आपको टारगेट सेट करना है, गैलरी टारगेट ये आपने यहाँ पर सेट करा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एरिया चूज़ कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। जो भी चीज़ आपने चूज़ करना है उसको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट वर्कआउट पर करके एग्री कर देना है, और ये स्टार्ट वर्कआउट हो जाएगा और लोकेशन से वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है, जिससे आप अपना लाइव आप अपना वॉकिंग भी देख सकते हैं बाय मैप के द्वारा कि आप कौन कौन से डायरेक्शन में गए, कितना किलोमीटर आप घूम के गए। तो ये चीज़ आपको वॉकिंग में और रनिंग में दोनों में मिलने वाली है। उसके बाद देखें दोस्तों थर्ड फीचर, उसके बाद थर्ड दिया गया वी आर ऑफर न्यू एक्सपीरियंस फॉर अचीविंग बैज एंड बेस्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप जैसे कि जाएंगे माय उस पर, जो भी अगर आप अचीव करते हैं जो उसका रिकॉर्ड है आपको यहाँ पर बैजेस हैं और अच्छे से आपको दिखने वाले हैं, बोल सकते हैं बहुत अच्छे से उसको दिखाने का व्यू को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो थर्ड चेंजेस ये किया गया है। उसके बाद फोर्थ में देखेंगे वाइल रनिंग द मैक्स हार्ट रेट जोन आर इंडिविजुअल यूजर। तो यहाँ पर अगर आप जब आप रनिंग करेंगे, जैसा कि आप रनिंग करने जाएंगे तो आप यहाँ पर जैसे रनिंग डिटेक्ट करेंगे तो आपकी जो हार्ट रेट है ना वो बहुत काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम करेगी। आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको हार्ट रेट का यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे आप अपनी जो CP है ना अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में कोई इश्यूज तो नहीं है, सब चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नया एड ऑन किया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखें फिफ्थ फीचर, वेरियस बग्स एंड फिक्स। उसके बाद कुछ वेरियस बग्स फिक्सड किए गए हैं, बग्स फिक्स किए गए, और यहाँ पर आप देखें कुछ नया दिखा रहा है।
फॉर यू में जाएगा तो आपको यहाँ पर स्लीप वेल के लिए यहाँ पर आपको सजेशन बता रहा है कि कैसे आपको सोना है, कैसे क्या करना है, तो सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर ये सजेशन बता रहा है। ओवरऑल इसमें नया फीचर एड ऑन किया गया है स्लिप वॉकिंग में, स्लिप करते हैं तो वो उसकी ट्रैकिंग अच्छी कर दी गई है। वॉकिंग रनिंग में आपको वहाँ पर मैप डाल दिया गया है, आप मैप डाल सकते हैं। बगेज यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं और कुछ बक्सेस यहाँ पर फिक्स आउट किए गए हैं। तो यही नया चेंजेस था सैमसंग हट ऐप में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले आपको सीखना होगा कि और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, जाके आप जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।